हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेक्स स्मार्ट विजन आज हम देखते हैं कि एक कंपनी पे सर्वर क्यों चाहिए और फिर एक्टिव डायरेक्टरी होता क्या है एंड एक्टिव डायरेक्टरी का रोल क्या क्या रहता है किस टाइप से एक इंजीनियर एक्टिव डायरेक्टरी पे काम करता है तो ये हम थेरोटिकली एंड प्रैक्टिकली भी इस वीडियो पे हम जानने वाले हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्या करता हूँ एक मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे फाइव यूजर्स है जैसे रोहन मोहन विकास अरबाज एंड यश तो देखते हैं कि सी अभी ये पाँच यूजर्स को आप इजीली मेंटेन कर सकते हो इजीली हैंडल कर सकते हो इनका जो भी पॉलिसी है डेटा है आप वन टू वन इंटरेक्ट करके भी यूजर का जो भी रहता है मतलब मैनेज कर सकते हो बट समझ लीजिए कि ये फाइव यूजर्स के जगह पे आपके फाइव हंड्रेड यूजर्स हो गए तो आप पॉलिसी अप्लाई करना रहे या फिर कोई भी सिक्योरिटी अप्लाई करना या फिर डेटा बैकअप लेना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा लाइक इम्पॉसिबल हो जाएगा तो इस जगह पर हम क्या करते हैं एक सर्वर सेटअप कर लेते हैं तो इस सर्वर पे हम क्या करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी जो कि हमारा ए सर्विसेज को क्या कर लेते हैं इंस्टॉल कर लेते हैं तो इंस्टॉल करने से ये सर्वर मतलब एक सर्वर पे आप जब भी ए डी डी एस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल कर लेते हो तो इसको मतलब एक पावर मिल जाता है वहाँ पर वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम बन जाता है जहाँ पर वो अपने नेटवर्क पे जो भी हार्डवेयर लाइक फिजिकल जो भी डिवाइसेस रहेगा uh, जैसे कंप्यूटर्स प्रिंटर्स यूजर्स ग्रुप्स मतलब इन सारे के सारे रिसोर्स को क्या करेगा ये एक सेंट्रलाइज बना के रखेगा यूजर डेटा को मैनेज करेगा इस सारा का सारा का मतलब इसी के पास होल्ड रहेगा ओके तो अभी ये सब कर लेने के बाद ए डी डी एस इंस्टॉल कर लेने के बाद हम क्या करते हैं जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन पे सिस्टम्स है कंप्यूटर से लैपटॉप से इसको क्या कर लेते हैं एक बार हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं सर्वर के साथ ओके okay? सर्वर के साथ ज्वाइन कर लेने के बाद हम क्या करते हैं वहां पर यूजर क्रिएट करते हैं वहां पर हम लोग यूजर क्रिएट करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी जैसे मोहन विकास इन सारे जन का यूजर क्रिएट करता हूँ उनको एक पासवर्ड जनरेट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल इससे क्या होता है कि मोहन आ, का मोहन लाइक आने में थोड़ा देर होगा उसका सिस्टम किसी ने ऑक्यूपाई कर लिया डेस्कटॉप तो मोहन क्या कर सकता है डेस्क uh, टू से निकल के डेस्क फाइव पे मतलब जहां पर भी खाली रहेगा वहां पर बैठ के अपना आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग इन करके अपना वर्क क्या करेगा कंटिन्यू रखेगा तो इसका जो भी डेटा था जो डेस्क टू पे उसने स्टोर करके रखा था वो सारा का सारा डेटा आके डेस्क फाइव पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा तो उसको वर्क करने में कोई दिक्कत नहीं होगी तो वर्क ग्रुप पे क्या होता था डेटा ना एक ही सिस्टम पे सेंट्रलाइज नहीं रहता था तो डेटा ना डेस्ट टू वाला करना था उसको लेकिन यहाँ पर क्या है इसको एक एडिशनल फीचर मिल गया मतलब जाके अभी हो डेस्ट टू से डेस्ट फाइव हो या डेस्क फोर किधर पे बैठ के अपना वर्क कंटिन्यू कर सकता है क्योंकि उसका जो भी डेटा है पॉलिसी है जो भी है वो सर्वर पे सर्वर पे रहता है ओके तो इसको एक बेनिफिट मिल जाता है तो मतलब आ, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई भी आके लॉग इन करके सर्वर पर बैठ जाएगा ऐसा नहीं है तो इसके लिए आपको ना एक ऑथोराइज लाइक like, एक इसका मेन एक फीचर ये है कि एक्टिव डायरेक्टरी का ये लाइक ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेगा आपको लाइक like, अथें मतलब ऑथोराइजेशन मींस आप ऑथोराइज होना चाहिए आपकी मतलब ये इस कंपनी में ये बंदा लॉग इन कर सकता है ये आपको ऑथोराइज चाहिए और फिर आपको मतलब वहां पर ऑथेंटिकेशन क्रिएट करके जो भी इंजीनियर देता है लाइक यूजर आईडी एंड पासवर्ड बस आप उसको डालने से ही आप लॉग इन कर पाओगे वरना आप यहाँ पर लॉग इन नहीं कर पाओगे तो ये हो जाता है जो है ये एक माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्टरी सर्विस है इट रन ऑन द विंडोज सर्वर एंड एनेबलिनिस्ट्रेटर्स टू मैनेज दू दर्क डिवाइसेज मतलब एक सेंट्रलाइज बना के रखता है जो भी अपने नेटवर्क पे है वैसे एक्टिव एक्टिव स्टोर्स अब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज अ सिंगल एलिमेंट सच एजर ग्रुप एप्लीकेशन और डिवाइस सच एज अ प्रिंटर लाइक ऑब्जेक्ट आर नॉर्मली डिफाइंडोर्सेज सच एज प्रिंटर और कंप्यूटर लाइक जो भी मतलब हार्डवेयर रिसोर्स हो जाता है यहाँ पर प्रिंटर कंप्यूटर इस सारों को सारों को क्या करता है ये इसको भी सेंट्रलाइज बना के रखता है और सिक्योरिटी पेरिपरल सचै यूजर्स और ग्रुप्स ओके तो इसका हम लोग अभी देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकल्स पे लाइक कैसे हम एक सर्वर पे इंस्टॉल करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी को और वहाँ पर एक कैसे यूजर क्रिएट करेंगे ग्रुप्स ये सारा का सारा डिटेल्स हम इस वीडियो पे अभी जानेंगे ओके okay? तो आ, मैंने इसके पहले वाली वीडियो पे भी ये समझा है कि एक वीमवेयर में आप किस तरीके से एक विंडोज सर्वर को इंस्टॉल करते हो तो आपको एक प्रैक्टिकल्स करते रहना है तभी जाके आपको समझेगा हैंड ऑन आपको चाहिए तो आपके पास एक लैपटॉप पे ले लो उस लैपटॉप को या डेस्कटॉप डेस्कटॉप ले लो वहाँ पर एक वीमवेयर वर्क स्टेशन इंस्टॉल करो जो कि आपको फ्री में मिल जाता है वहां पर एक इमेज डाउनलोड करो जैसे मैंने समझाया, उसी तरीके से आप वहां पर एक लाइक सर्वर इंस्टॉल करके जो भी प्रैक्टिकल्स रहते हैं उसको आप करना स्टार्ट कर दो तो आपको यहाँ पर आइडिया मिल जाता है ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिकल्स सो so गाइस हमने जो भी थे पार्ट था वो हमने खत्म कर लिया तो अभी हम प्रैक्टिकल पे आ चुके हैं प्रैक्टिकल पे हम देखेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज ये रोल को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे इस पे और इस पे uh, वैसे ही डीएनएस हम कैसे इसपे इंस्टॉल कर सकते हैं कॉन्फिग्रेशन कर सकते हैं ये अब हम देखेंगे इसके साथ साथ एंड uh, इसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा लोकल सर्वर पे तो लोकल सर्वर पे आप यहाँ देख सकते हो कि uh, हमारा जो ये कंप्यूटर नेम है टेक्स जीरो वन बोल के है अभी तो ये वर्क ग्रुप पे है एंड यहाँ पर जो भी बाकी के डिटेल्स है यहाँ पर शो करने लगेगा जैसे कि अभी मेरा आ, आ, आई एड्रेस का अधिकार है थर्टी इसको मैं भी क्लिक कर लेता हूँ तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखा देता हूँ कि जब आप प्रॉपर्टीज पे जाओगे आई वी फोर पे तो आप देख सकते हो मेरा आईपी है 192.168.81.130 और फिर इसका जो डीएनएस रहेगा आ, यही रहेगा क्योंकि हम इसको हम जैसे कि हम इसको अभी डीएनए से यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे ना तो इसके लिए ये यही इसके लिए प्रेफर्ड रहेगा ओके देन क्लिक ऑन ओके इसको आप ओके uh... डन okay, अभी हम तैयार है हमारा नेक्स्ट आगे का प्रोसेस करने के लिए ओके okay? तो कोई भी सर्विसेज को या फिर रोल को आप एनेबल करने के लिए आपको क्लिक करना पड़ता है मैनेज तो पे तो मैनेज पे जाके अब हम रोल को ऐड करने वाले हैं। अगर रिमूव करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो तो ऐड करने के लिए स्ट्रॉन्ग तो like, like, रहना है और नेटवर्क सेटिंग स्टैटिक आईपी रहना है उसपे और फिर मोस्ट ऑफ दी करेंट सिक्योरिटी अपडेट्स क्या रहना है अप टू डेटेड रहना है बोलिए दिखा रहा है तो मैं यहाँ पर अभी नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो हमें यहाँ पर रोल्स बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन पे ही क्लिक करके रहना है तो क्लिक ऑन नेक्स्ट तो यहाँ पर देख सकते हो क्योंकि अभी हमारे पास एक ही सर्वर है जो कि टेक्स जीरो वन है तो वही सर्वर यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है हम इसी को इसी के साथ आगे बढ़ेंगे क्लिक ऑन नेक्स्ट तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे जो भी रोल्स है यहाँ पर शो कर रहा है तो अभी हम इंस्टॉल करने वाले हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेस तो मैं इस पर अभी चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पर हमें और भी ऑप्शन दिखा रहा है कि लाइक इसी के साथ साथ और भी हम लोगों को फीचर ऐड करने के लिए ऑप्शन दिखा रहा है एंड फिर इंक्लूड मैनेजमेंट कंसल्ट जो भी मैनेजमेंट के टूल्स रहेंगे उसी के साथ साथ इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर चेकमार्क दिखा रहा है तो ऑलरेडी चेकमार्क ही है तो हम इसको कुछ जैसे कि पूछ रहे कि ऐड फीचर तो हम इसको कुछ फीचर्स ऐड कर देते हैं यहाँ पर तो इसी के साथ साथ जैसे कि हमने कहा था हम डीएनए सर्वर भी यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे तो मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया अभी देन ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो फिर मैं इंस्टॉल कर देता हूं यहां पर तो ये अभी तो इंस्टॉल हो रहा है तो इसी के साथ साथ इसपे अभी बेसिक प्री रिक्वेस्ट क्या क्या है ये भी इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं क्योंकि तब तक इंस्टॉल होने देंगे हम इसको तो बेसिकली क्या है आप जब भी एक्टिव डायरेक्टरी जो भी रोल है इंस्टॉल कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको ना एडमिनिस्ट्रेटर होना बहुत जरूरी है तो एडमिनिस्ट्रेटर आप हो कि नहीं आप कि, किस तरीके से हम इसका पता कर सकते हैं जैसे कि अभी मैं यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर आप सर्च करोगे पावर शेल को तो मेरा पावर शेल यहाँ पर ओपन हुआ है तो मैं यहाँ पर इसको कमांड देता हूँ को एम आई तो यहाँ पर दिखा रहे टेक जीरो वन जो कि ये मेरा मशीन है ये एडमिनिस्ट्रेटर पे है तो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि आप किस रोल पे हो ओके, तो ये होना बहुत जरूरी है इस पर तो ये आगे का प्रोसेस हो पाता है ओके आप यहां पर देख सकते हो कि ये

जबकि हम लोग अभी हम फर्स्ट टाइम सेटअप कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अ न्यू फॉरेस्ट पे हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं तो आगे हमें यहाँ पर लाइक जो भी हमारा रूट डोमेन का नेम देना पड़ता है तो आप यहाँ पर अपने कंपनी का नेम देते हैं जैसे क्या तो मैं इसको नेमिंग कर देता हूं टेक स्मार्ट विजन लैब्स बोल के देन फिर क्लिक ऑन नेक्स्ट इस ऑप्शन पे सेलेक्ट फंक्शनल लेवल ऑफ न्यू फॉरेस्ट एंड रूट डोमेन बोल के दिखा रहा है जैसे कि फॉरेस्ट फंक्शन लेवल पे आप यहाँ पर लेटेस्ट मॉडल जो है वो वो डालना पड़ता है जैसे कि अभी हम 2019 इंस्टॉल कर रहे हैं बट आज के टाइम पे वो अभी यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पर दिखा रहा है 2016 पे तो इसको मैक्स जो भी 16 है वही रखते हैं यहाँ पर भी सिक्सटीन ही दिखा रहा है तो आप मतलब आ, ऐसा करिए कि जो भी आपका मतलब हाई लेवल का जो यहाँ पर दिखाता है वो रख सकते हो क्योंकि मैं भी 2019 तो तो इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मैक्सिमम बस इतना ही दिखा रहा है तो मैं इसको 2016 पे ही रख देता हूँ तो अभी यहाँ पर देख सकते हो कि ये बाय डिफॉल्ट डोमेन नेमिंग सिस्टम जो है वहाँ पर भी चकमार्क दिखा रहा है एंड ग्लोबल कैटलॉग पर भी चेक मार्क दिखा रहा है तो इसको एज इट इज ऐसे ही रखने देते हैं देन फिर हमारा भी सर्वर के लिए पासवर्ड दे देते हैं एक बार पासवर्ड दे, दे देने के बाद क्लिक ऑन नेक्स्ट तो अभी यहां पर बॉयस डोमेन नेम पे रिफ्लेक्ट कर रहा है तो मैं नेक्स्ट कर देता हूं इसको अभी पाथ शो करना स्टार्ट कर दिया जैसे कि अभी यह दिखा रहा है डेटाबेस फोल्डर हो या फिर लॉग फाइल्स हो या फिर सिसोल फोल्डर इन लोगों का मतलब ये डेटा कहाँ पर सेव होता है ये पाथ है यहाँ पर जैसे कि सी ड्राइव पे विंडोज पे एनटीडीएस पे, एंड फिर वॉल का जो भी हम नेक्स्ट कर देते हैं इसको तो आपका यहाँ पर सारा डिटेल्स शो करना स्टार्ट कर दिया जैसे कि हमने अभी नाम दिया था जो भी हमारे सरों का नेमिंग किया था विजन डॉट लैब्स पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं लाइक 2019 इंस्टॉल कर रहे हैं जैसे कि हम 2019 इंस्टॉल कर रहे हैं बट यहाँ पर जो हमारा मैक्स है 2016 रिफ्लेक्ट कर रहा था वही रिफ्लेक्ट कर रहा है ग्लोबल कैटलॉग लाइक एनेबल्ड है यस दिखा रहा है डी एन दिखा रहा है तो ऐसे ही आप यहाँ पर पाथ वगैरह सारा का सारा कॉन्फिग्रेशन रिफ्लेक्ट कर रहा है देन फिर आप आगे नेक्स्ट कर दो तो अभी यहां पर हमें एक पॉपअप दिखाना स्टार्ट कर दिया ऑल प्री, प्री चेक पास सक्सेसफुली बोल के तो हम इसको अभी इंस्टॉल कर देते हैं तो भी एक के पूछा है, तो हम यहां पर आप यहाँ पर अभी देख सकते हो कि इससे पहले ना ये बस एडमिनिस्ट्रेटर दिखा रहा था जैसे कि हमारे पुराने वीडियो आप देख सकते हो वहाँ पर बस मैंने यही सर्वर यूज़ किया है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर बोल के दिखा रहा था जैसे कि हमने अभी यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी जो भी हमने प्रमोट किया इसको डी पे तब से जो टेक्स विजन है उस पर ज्वाइन हो चुका है तो यहाँ पर और भी ऑप्शन दिखा रहा है अदर यूज़र ओके तो मैं इस पर लॉग कर लेता हूँ अभी स्टार्टिंग पे जैसे हम डिस्कस uh, करे थे कि ये डोमेन जो है वर्क ग्रुप दिखा रहा था अभी टेक्स डॉट लैब्स पे दिखा रहा है क्योंकि अभी ये प्रमोट हो चुका है एंड फिर जैसे कि मैं अभी टूल्स पे क्लिक करता हूं यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे क्लिक करता हूं यहाँ पर अभी हम लोगों का जो भी ये डोमेन है रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया इस पर हम लोग क्या बनाएंगे अपने यूजर्स ग्रुप्स पॉलिसीज वगैरह जो भी सारा सारा जो भी रहता है हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अभी क्रिएट करना तो इसके इसके बारे में नेक्स्ट हम और भी क्लासेस बनाएंगे तो आपको वहां पर इसका आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से हम करते हैं तो अभी मैं डीएनएस ओपन कर लेता हूं जो कि हमने साथ साथ ही उसको भी प्रमोट किया था यहां पर तो इसको मैं भी जो भी हमारा ये जो सर्वर है टेक्स जीरो कर लेता हूँ यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हो फॉरवर्ड लुकअप जोन बोल के है फॉरवर्ड लुकअप जोन पे यहाँ पर दो ऑप्शन दिखा रहा है एंड फिर रिवर्स लुकअप जोन को भी मैं एक्सपांड कर लेता हूँ इस पर राइट क्लिक करके न्यू जोन पे चला जाता हूँ देन क्लिक ऑन नेक्स्ट तो हमें यहाँ पर प्राइमरी जोन पे ही रखना है इसको एंड फिर यहाँ पर चक्कर के रखना है क्लिक ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट आईपी बिफोर ही रहेगा तो यहाँ पर हमारा जो भी आईपी रहेगा उसका ना फर्स्ट थ्री ऑक्टेट यहाँ पर डालना पड़ता है हमें तो आ, हमारा ऑक्टेट क्या था यहाँ पर वन नाइनटी टू डॉट वन सिक्सटी ए डॉट एटी वन ये हमारा ऑक्टेट था स्टार्टिंग का तो इसको मैं यहाँ पर डाल के नेक्स्ट कर देता हूँ देन क्लिक ऑन फिनिश तो इसको मैं भी कर लिया देन फिर अभी जाते हैं फॉरवर्ड लुकअप जोन पे तो आप देख सकते हो यहां पर ये जो हमारा मशीन था टेक्स जीरो वन रिफ्लेक्ट हो, हो, रहा है अभी तो इस पर अभी डबल डबल क्लिक कर लेता हूं मैं तो यहां पर एक ऑप्शन दिखा रहा है अपडेट एसोसिएटेड पॉइंटर पीटीआर रिकॉर्ड बोल के तो इसको हम चेक करके रखना है तो आप अप्लाई एंड ओके तो अभी रिवर्स जोन पे इसको मैं भी एक बार रिफ्रेश कर देता हूं तो यहाँ पर अभी हमारा जो भी आईपी एड्रेस था मतलब वो रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट हो चुका है अभी ओके तो फिर अभी मैं इसको भी यहां से क्लोज कर देता हूं अभी देखेंगे हमारे इतरनेट जो भी नेटवर्क पे जाएंगे यहां पर डबल क्लिक ऑन इट एंड प्रॉपर्टीज आई वी फोर यहां पर आप देख सकते हो कि डीएनएस पे 127.0.0.1 दिखा रहा है तो इसको अभी हमको हटाना पड़ता है हटा के क्या करेंगे हमारा जो प्रिफर्ड डीएनएस था 192.168.81.130 इस पे लगा देते हैं क्लिक ऑन ओके तो डन गाइस हमने यहाँ पर अब एक्टिव डायरेक्टरी हमारा लॉन्च कर लिया उसके साथ साथ डीएनएस भी कर लिया आई होप गाइस आपको मेरा ये क्लासेस समझ आया होगा ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट हम आगे भी अपलोड करते रहेंगे सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर इजी वे में आपको समझ आए तो लाइक कीजिए चैनल को अगर कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट में मैं डेफिनेटली आपको वहां पर आंसर दूंगा ओके थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो सी नेक्स्ट क्लास